दोस्तों मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं स्वैगन टेक। दोस्तों आज ऑनर ने अपना लेटेस्ट मिड रेंज डिवाइस ऑनर का 9N जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और काफी अग्रेसिव प्राइस पर ये लॉन्च किया है। आज मैं आपको पांच ऐसे रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से आपको ऑनर का जो 9N है वो परचेज करना चाहिए, और दोस्तों कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इस फोन को परचेज करने से पहले पता होनी चाहिए और शायद आपको नहीं पता। जैसे कि दोस्तों ये फोन जो है ये 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके अंदर आपको डुअल वोल्ट का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है नहीं मिलती है, इसके अंदर आपको EIS मिलता है नहीं मिलता है, OTG सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये सारी और भी सारी काफी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास मिल सके। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, जो सबसे पहला रीजन है इस फोन को परचेज करने का वो है इसका डिस्प्ले और इसका डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो मेरे पास ये फोन आप देख रहे हैं ये ऑनर का 9 लाइट है और सेम आपको इसी तरह का बैक पैनल मिलेगा ग्लास का और यही बिल्कुल सेम डिजाइन मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलता है यहाँ पर ऑनर 9 लाइट के अंदर, और ये ऑनर 9N में ये नॉइस कैंसिलेशन माइक टॉप पर मिलेगा आपको। और फ्रंट की अगर बात करता हूँ यहाँ पर आपको 18:9 का डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको नॉच डिजाइन मिलेगा और 19:9 का डिस्प्ले मिलेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में बहुत शानदार फोन है क्योंकि 12,000 रुपये की प्राइस पॉइंट में आता है और वहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है जो कि नॉच के साथ आता है, और मैं ये कहूँगा कि अभी तक का बेस्ट गुड लुकिंग स्मार्टफोन और बेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन है नोच के साथ। और आपको जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस और भी मिल रहे हैं वो भी काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं। तो डिज़ाइन और डिस्प्ले के मामले में बहुत शानदार फ़ोन है, और अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहते हैं जिसकी इन हैंड फील बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वो है इसका कैमरा। जी हाँ, आपको यहाँ पर रियर साइड में 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और फ्रंट और रियर कैमराज में आपको AI का सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है, और ऑनर जो है वो जाना जाता है अपने कैमराज को लेकर। और अगर आप एक सेल्फी लवर हैं और आप अगर एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ढूंढ रहे थे जिसकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो और जो गुड लुकिंग भी हो और एक इन हैंड फील भी अच्छी हो, तो आप इस फोन को डेफिनेटली कैमरे के लिहाज से कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है GPU टर्बो टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं ये सोच रहा था कि ऑनर 9N जो है वो GPU टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ ही लॉन्च होगा, लेकिन अभी उसके अंदर ये फीचर नहीं दिया गया है। OTA की अपडेट से ये जो अपडेट है ये आ जाएगा आपको। और यहाँ पर GPU टर्बो टेक्नोलॉजी है क्या? बेसिकली GPU क्या होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो हमें हाई ग्राफिक्स की जो चीज़ें हैं यानी कि गेम खेलते हैं तो उसमें हमें हेल्प करती है, और जितना अच्छा GPU होता है हमें उतना ही अच्छा मल्टीटास्किंग और हमें उतनी अच्छी गेमिंग्स और फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पर जो हुआवे के डिवाइसेस हैं, यहाँ पर आपको प्रोसेसर इनका खुद का किरिन प्रोसेसर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर किरिन 659 मिलता है, तो यानी किरिन प्रोसेसर्स में आपको माली का GPU मिलता है, और वहीं पर क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होते हैं वहाँ पर आपको एड्रीनो के GPU मिलते हैं। अगर बात करता हूँ तो एड्रीनो के जो GPU हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं माली के GPU से, तो इसी चीज़ को क्योंकि हुआवे को पता था कि उनका जो हार्डवेयर है वो काफ़ी पावरफुल है, तो उन्हें उसे इम्प्रूव करने की बजाय जो उनका सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, हुआवे की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं बात करता हूँ मार्केट की मीडिया की, तो ये टेक्नोलॉजी उनको $10 बिलियन में पड़ी है। मेरे को तो यार गपोड़ सी लगती है, सच्ची बात बताऊँ आपको, कि एक सॉफ्टवेयर के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करना, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी दिया हो लेकिन हमारा क्या जाता है, हमें तो टेक्नोलॉजी मिल रही है, हमें यही चाहिए। तो हुआवे का ये कहना है कि इस अपडेट के बाद 60% परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा उनकी गेमिंग के, और GPU उनका और पावरफुल होगा, उसके साथ बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो 30% तक बढ़ जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। आफ्टरऑल हमें, और भाई कुछ भी हो लेकिन हमें कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है 12,000 रुपये में, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका सॉफ्टवेयर। जी हाँ, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट द बॉक्स मिलता है, और यहाँ पर आपको जो इसका UI दिया गया है वो है EMUI 8, जो कि आपको प्रीमियम सेगमेंट्स में देखने को मिल जाता है। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये UI जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और अगर मैं बात करता हूँ जितने भी UIs की जो कंपनियाँ यूज़ करती हैं, तो MIUI के बाद अगर मुझे किसी का UI पसंद आया है तो वो EMUI है। यहाँ पर आपको जो एनिमेशंस देखने को मिलते हैं वो कमाल के मिलते हैं, जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मैं 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे UI के अंदर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम ऑनर में नहीं लगी है।
और उसके बाद दोस्तों आता है पांचवा पॉइंट जो मेरे हिसाब से हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है स्मार्टफोन। इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर यही चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है कि फोन की वैल्यू क्या है। जी हाँ, यहाँ पर आपको 12,000 रुपये में 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज मिलती है और 4GB के साथ 64GB स्टोरेज मिलती है आपको 14,000 रुपये में। एक और वेरिएंट है तीसरा 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, वो मिलता है आपको 18,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो दोनों वेरिएंट है 12,000 और 14,000 वाला, वो डेफिनेटली आपके पास वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हैं। लेकिन जो 4GB 128GB वाला है वो मत परचेज करना, क्योंकि इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन सारी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो वो कुल मिलाकर 18,000 का पैकेज नहीं है, लेकिन 12,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है, 14,000 रुपये में भी अच्छा है। तो दोस्तों ये थी पांच ऐसे रीज़न। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ इसके अंदर रैम कौन सी दी गई है। तो इसके अंदर आपको LPDDR3 रैम देखने को मिलती है। शायद इनका जो Kirin 659 है वो सपोर्ट नहीं करता LPDDR4X को, शायद इसीलिए शायद उन्होंने LPDDR3 रैम दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल चार्जर मिलता है 5V 2A का, यानी कि 10V का जो आपको चार्जर मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। उसके बाद तीसरी बात अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद बात करता हूं OTG की, तो जी हां OTG को सपोर्ट करता है ये डिवाइस। उसके बाद डुअल वोल्टी की बात करते हैं, तो आपको इस फोन के अंदर डुअल 4G तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको डुअल 4G वोल्टी देखने को नहीं मिलेगा। एक टाइम में एक ही सिम जो है वो वोल्टी को सपोर्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों आती है प्रोटेक्शन की बारी, तो ये फोन जो है गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है या नहीं आता। जी नहीं, इसके अंदर आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये फोन जो ऑनर 9 लाइट है, यहाँ पर भी आपको बैक ग्लास और फ्रंट में भी ग्लास देखने को मिलता है। ये 4-5 बार मुझसे गिर भी चुका है, लेकिन जो इसका फ्रंट ग्लास है वो एक बार क्रैक हो गया था, लेकिन जो रियर ग्लास है वो काफी अच्छे मटेरियल से बना है। और यहाँ पर इवन 4-5 महीने में इसके ऊपर जो है स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं, बिल्कुल माइनर से स्क्रैचेस हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर काफी स्क्रैचेस आ गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। केस इसके साथ मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है इसके मटेरियल की, तो यहाँ पर फ्रंट में ग्लास है और रियर में ग्लास है। जो इसका फ्रेम है वो बना हुआ है एल्युमिनियम का। उसके बाद बात आती है जो ऑप्टिक्स दी गई है उनका अपर्चर क्या है। जी हाँ, आपको रियर साइड में जो 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है उसका अपर्चर है f2.2 का। जो आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है उसका अपर्चर आपको मिलता है f2.0 का। और दोस्तों यहाँ पर आप इस फोन के अंदर 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मोस्टली सारी जानकारी मिल गई होगी ओनर 9N के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई जो क्वेश्चन है माइंड में है या मुझसे मिस हो गया हो भी गया होगा, काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कवर करने की, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जो है वो 100% देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी और आपका थोड़ा सा माइंड सेट हुआ होगा इस डिवाइस को आपको लेना है या नहीं लेना है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।